फ्रेंड्स आज का वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने चैनल की सबसे फर्स्ट अनबॉक्सिंग और गिव अवे वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू द वीडियो। तो फ्रेंड्स आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं एमआई के ईयरफोन्स की और वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि मैं इसमें आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का तरीका भी बता ही दूंगा। बात करते हैं बॉक्स की तो इसके पीछे हमें लिखे हुए मिल जाती कुछ बेसिक डिटेल्स। अगर बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं तो हमें सबसे पहले रखा हुआ मिल जाता है मेन यूनिट यानी कि एमआई के ईयरफोन्स। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो ये काफी ज्यादा प्रीमियम है प्राइस रेंज के हिसाब से। अगर बॉक्स के ओवर कंटेंट की बात करें तो बॉक्स को नीचे से पुल अप करने पर हमें मिल जाता है एक सीक्रेट कंपार्टमेंट जिसमें हमें रखे मिल जाते हैं हमारे एमआई के एक्स्ट्रा ईयरबड्स। जी हाँ हमें इसके साथ तीन पेयर्स ईयरबड के तीन पेयर्स हमें मिल जाती है जिसमें से एक है एक्सटर्नल एक है मीडियम जो हमारे ईयरफोन्स पे फिट किए हुए रहती है और एक है एक्स्ट्रा लार्ज। आप अपने यूज के हिसाब से इन्हें यूज कर सकते हैं। अगर बात करते हैं इनकी बिल्ड क्वालिटी की तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये एक्स्ट्रा स्मॉल ईयरबड्स। अगर बात करते हैं मेन यूनिट की तो इसमें हमें मेन वायर मिल जाता है केलवार से बना हुआ। जी हाँ वही केलवार जो हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट्स में यूज होता है ताकि ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल हो। बात करते हैं और कुछ फीचर्स की तो हमें यहाँ पर मिल जाती है एमआई की ब्रांडिंग। बात करते हैं ईयरफोन जैक की तो यह मिल जाता है हमें टी शेप ताकि ज़्यादा ड्यूरेबल हो। बात करते हैं ईयरबड्स की यानी कि जो मेन है तो वो भी हमें क्रॉस डिज़ाइन में मिल जाते हैं ताकि हमारे कान में अच्छे से फिट हो जाए और बैक फिनिश भी हमें सीडी टाइप फिनिश मिल जाती है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं इन ईयरफोन्स की गिव अवे की तरफ। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिए। अगर आप एक से ज़्यादा कमेंट करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस गिव अवे का रिजल्ट मैं कुछ दिनों बाद अपनी कम्युनिटी टैब में अपलोड कर दूँगा।